हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर अस्तर के कपड़े को हम अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जितना भी लेंथ आपको तैयार रखना है उसमें 1 इंच आप मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 13.5 इंच तैयार रखूँगी, उसमें 1 इंच मार्जिन प्लस करके टोटल लेंथ ली है मैंने यहाँ पर 14.5 इंच। आपको जितनी भी लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ आप यहाँ पर ले लीजिए। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है और डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर लेने हैं। तो 32 साइज़ में 32 साइज़ में डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखने हैं हमें 5 इंच और आर्म होल्स लेने हैं 5.5 इंच। शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल्स लिए हैं 5.5 इंच और यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट लिए हैं मैंने यहाँ पर 32 का हम 4th पार्ट लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं ब्लाउज़ में। और डीप नेक में देखिए 1/2 इंच हमें बाहर की तरफ करते हुए मार्क करना होता है। इस तरीके से तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से गोलाई कर देंगे। ये हमने आर्म होल की गोलाई कर दी है बाहर वाली लाइन से। और अब कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 24 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का और 1 इंच हम एक्स्ट्रा और लेंगे जो बैक पार्ट में हम प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, हमने यहाँ पर बैक पार्ट को कट कर लिया है। नीचे से भी इसे कट करके हम सीधा कर लेंगे। बैक पार्ट को अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर भी कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिया है। इसके बाद हम गले का मेजरमेंट लेंगे। तो 32 साइज में नेक की जो विड्थ है वो रखनी है हमें 2 इंच। 2 इंच लिए हैं यहाँ पर नेक की विड्थ और नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ पर 9.5 इंच रखी है और नीचे से नेक की विड्थ रखी है 3 इंच। इस तरीके से देखिए, हमें एक बॉक्स बना लेना है। फिर यहाँ पर हम 5 शेप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो ये शेप हमने बना लिया है और यही शेप हम पेपर पेस्टिंग पर बनाएंगे। तो पेपर पेस्टिंग लगा रहे हैं हम यहाँ पर। अगर आप चाहें तो इसे बिना पेपर पेस्टिंग के भी बना सकते हैं, पलटने वाला जो नेक होता है उस तरीके से। अब हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग पे भी नेक की विड्थ रखेंगे 2 इंच और नेक की लेंथ लेंगे 9.5 इंच। यहाँ से हम इस तरीके से देखिए मार्क करेंगे और यहाँ पर नेक की विड्थ रखी है 3 इंच। इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर इस तरीके से शेप बना लेना है। साइड से 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करेंगे और यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से पिन लगा ली है। और अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम पिन लगाने के बाद बीच में से नेक को कट करेंगे, ऊपर से 1/2 इंच गले की विड्थ का छोड़ते हुए मार्क करके हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। और अब हम इसे अस्तर वाला जो हमारा बैक पार्ट है उसके ऊपर अटैच कर लेंगे। देखिएगा, यहाँ पर हमारा जो अस्तर वाला पार्ट है उसके ऊपर हम इसे इस तरीके से रख लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस से इसे चिपका सकते हैं या फिर आप इसे सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है और इसके बाद एक सिलाई हम यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे। कॉर्नर की सिलाई लगाकर आपको इसे अटैच कर लेना है। तो मैंने पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लिया है और अब हम इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच करेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखा है सीधा और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। पहले आप इसे अच्छे से यहाँ पर सेट कर लीजिए, उसके बाद पिन लगानी है। इसके बाद हम नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगानी है हमें। ये सिलाई हमने पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए लगानी है। इसके बाद एक पैर का मार्जिन जितना कपड़ा रखना है, बाकी सारा फैब्रिक आप कट करके निकाल दीजिए इस तरीके से। और पूरे ही नेक पे हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने से हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है।
तो इस तरीके से पास पास में बिल्कुल आपको पूरे ही नेक में छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब आप इसे अंदर इस तरफ करते हुए एक सिलाई जो है वो अस्तर वाले कपड़े के ऊपर लगाना है हमें। ये सिलाई हमने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर लगानी है और इस तरीके से अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए नेक हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ आ जाएगा यहाँ पर। और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की कॉर्नर की लगा लेनी है इस तरीके से। तो ये नेक हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है और अब हम साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। हाथ से आप फिनिशिंग कर दीजिए यहाँ पर। और अब हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। हाथ से फिनिशिंग करते जाइएगा यहाँ पर ताकि अंदर की तरफ कोई भी सेल ना आए। साइड से सिलाई लगाने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर देंगे इस तरीके से। हम एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी बाहर की तरफ आ रहा है उसे कट करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और अब हम सेंटर में कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करके हम प्लेट्स डाल लेंगे। दोनों तरफ हमें प्लेट्स लगा लेनी है और नीचे की तरफ अब हम लगा लेंगे कमर पट्टी। कमर पट्टी की जो विड्थ है वो मैंने 1.5 इंच रखी है। इस तरीके से कमर पट्टी अटैच करेंगे और एक सिलाई पट्टी को हम इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसमें साइड में लगाने के लिए डिज़ाइन रेडी करनी है तो वो हम देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। इसका जो बीच का पेपर पेस्टिंग निकला था वहाँ से हमने 3 इंच लेंथ में लिया है। फिर इस तरीके से पत्ती का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा विड्थ में आपको नहीं लेना है। तो हम इस तरीके से करके इसे एक बार और शेप कर देंगे हम साइड से। और बाकी ही सारी ही पीसेस हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। टोटल मैंने यहाँ पर 5 पीसेस तैयार कट करूँगी मैं पेपर पेस्टिंग पे इस तरीके से। देखिए और भी पीसेस आप इस तरीके से कट कर लीजिए यहाँ पर। ये देखिए टोटल मैंने यहाँ पर 5 पीसेस कट कर लिए हैं ये पत्ती के। और हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक लेना है। अगर आप चाहें तो इसे कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक में भी लगा सकते हैं। और सारे ही पीसेस को हमें इस तरीके से सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है अच्छे से। फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हमें थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करने के लिए रखना है। बाकी सारा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पर आपको एक सिलाई लगाते हुए इसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेना है। और बाकी सारे ही पीसेस हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर लेस। तो इस तरीके से हम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर लेस लगा लेंगे। एक्स्ट्रा लेस को कट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है ताकि ऊपर से फिनिशिंग दिखे। ये देखिए बाकी सारे पार्ट भी हमें इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो सभी पार्ट मैंने इस तरीके से यहाँ पर तैयार कर लिए हैं और अब हमें लगानी है लेस। तो पहले हम इस तरफ एक लेयर लगा लेंगे इस तरीके से। फिर हमें इस तरफ लगानी है लेस। तो ये हम इस तरीके से लगाएंगे और इसका जो शेप है वो यहाँ पर हम इस तरीके से देंगे। थोड़ा सा घुमाते हुए लेना है लेस को आपको।
और नीचे की तरफ से कट करके हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसी के पास हम एक लेयर और लगाएंगे लेस की। तो यहाँ पर हमने एक लेयर और लगा ली है और ये जो पत्तियों के पार्ट हमने रेडी किए हैं ये अब हमें यहाँ पर इस तरीके से लगाने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप चाहे तो पहले इन्हें लगाते हुए पिन भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से आपको यहाँ पर सेट करते जाना है और इन्हें सिलाई लगाकर अटैच करते जाना है। इसी तरीके से नीचे के बाकी सारे पार्ट भी हम अटैच कर लेंगे। ये लास्ट वाला पार्ट भी हम इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे और ये डिज़ाइन बनके हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।